हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या, मैं आ गई हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सारी न्यू मॉम एंड आजकल गर्ल्स जो बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं कि उनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, गंजे होने लगे हैं। तो इन सब का मैं एक सजेशन आप लोगों के साथ लेके आई हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस भी दीजिए। तो बाल जो है मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि प्रेगनेंसी में हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, काफ़ी लोगों ने कहा। और ऐसा होता भी है, प्रेगनेंसी टाइम में बालों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। तो सबसे पहले करी पत्ता और एक प्याज छिलके के साथ में लेना है, फिर लेना है रोजमेरी लीव्स और आंवला सिका का ये रीठा, कलौंजी, मेथी, और साथ में मैंने लिया है जिंजर और ढेर सारा करी पत्ता। इन सभी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से ले लीजिए, एंड इससे आप एक बार ये ऑयल यूज कर लेंगे ना तो आप लोग कहेंगे कि बहुत ही अच्छा दिया आपने ऑयल बताया। ये बॉटल ही मैंने इसमें रखा है, बट ये प्योर ऑर्गेनिक मस्टर्ड तेल है। और हो सके तो आप लोग के घर में लोहे की कढ़ाई होगी तो उसमें ये ऑयल बनाइएगा, तो इससे जो है आपको बेनिफिट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो मैं गैस को यहाँ पे ऑन कर ले रही हूँ। ये ऑयल आप 1 मंथ के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑयल है। और आपको वीक में 3 टाइम्स तो अप्लाई करना ही करना है अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो। और अगर हद से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप डेली रात को सोने से पहले थोड़ी सी ऑयल लेके अपने मांग में अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करना है। और हो तो अगर आपको मॉर्निंग में कहीं जाना है तो आप हेयर वॉश कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। और इसमें मैं अब ऑयल डाल रही हूँ, जितना आपको बनाना हो जितने दिन का उस हिसाब से लीजिएगा। मैंने इसमें ये जो बॉटल है इससे आधा ही बनाया था, आधा मैं बाद में बनाऊँगी, तो इसी वजह से मैं इसमें आधा ऑयल डाल रही हूँ। उसके बाद ये 1 मंथ के लिए मेरा बहुत ही सही ऑयल है, हाफ ऑयल है। तो इसमें जो भी चीज़ें आपको देखें हल्के हल्के जब बॉयल आने लग जाएंगे ऑयल्स में, तो आप इसको इन सारी चीज़ों के इसमें डाल दीजिएगा। और देख सकते हैं ये प्योर ऑर्गेनिक ऑयल है, इसी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा फेना भी आ रहा है। तो इनको आप धीमे आंच पे अच्छे से चलाते रहना है ताकि ऑयल बाहर ना गिर जाए। इसी वजह से आप 10 मिनट लग ही जाते हैं इसको पकने में, और आपको इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहना है, चलाते रहना है। फिर आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज होने लगेगा। जब ये सारी चीज़ें मैंने जितनी डाली हैं सारी चीज़ें ये देखिए कुछ इस तरीके से कलर चेंज हो जाने के बाद हो जाता है। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए, फिर एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के 1 मंथ के लिए स्टोर कर लीजिए। ये ऑयल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, बाय।